नमस्कार, मैं डॉक्टर शालीन शर्मा, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, न्यूटेमा हॉस्पिटल, गढ़ रोड, मेरठ से। और आज हम किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। एक बार आपको गुर्दे में पथरी डायग्नोज होती है, और अगर पथरी बड़ी है साइज में या छोटी है पर काफ़ी टाइम हो गया निकल नहीं रही है, तो उसका इलाज या आगे ट्रीटमेंट ऑपरेशन है। किडनी स्टोन के ऑपरेशन अब काफ़ी आसान हो गए हैं और इसमें पेशेंट को ज़्यादा कष्ट नहीं होता और जल्द ही छुट्टी हो जाती है, वह जल्द ही पेशेंट काम पे वापस जा सकते हैं। किडनी स्टोन्स के इलाज में मेनली तीन या चार विधि हैं जिसकी बात हम करते हैं। एक तो ओपन ऑपरेशन होता था जिसको पाइलोलिथोटमी कहते थे। आजकल ओपन ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती और सभी तरीके के ऑपरेशन दूरबीन द्वारा हो जाते हैं। बहुत ही रेयर केस में कोई कॉम्प्लिकेशन है या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यदि दूरबीन वाला नहीं संभव है, या कोई मेजर रिकंस्ट्रक्टिव अंदर कोई नली ब्लॉक्ड है या कुछ और ट्रीटमेंट होना है, तब जाके ओपन ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे कॉमन ऑपरेशन जो होता है किडनी स्टोन्स का, वो पीसीएनएल होता है। पीसीएनएल विधि में कमर में एक छोटा छेद करके और दूरबीन विधि द्वारा स्टोन निकाल दिया जाता है। ये किसी भी साइज के स्टोन के लिए हो सकता है और ये सबसे कामयाब टेक्निक है। यदि स्टोन छोटा है तो इसमें अल्ट्रा मिनी पर किया जा सकता है जिसमें मुश्किल से 1 या 2 mm का छेद होता है। स्टोन यदि उससे बड़ा है, जैसे कोई 10, 12, 15 mm तक का स्टोन है, तो मिनी पर कर सकते हैं जिसमें 3 से 4 mm का सुराख होता है। और स्टोन यदि काफ़ी बड़ा है, जैसे जिसको स्टैगहॉर्न कैलकुलस कहते हैं, कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनके 25, 35, 40, 45, 50 mm तक के स्टोन होते हैं या उससे भी बड़े, तो उसमें नॉर्मल रेगुलर पीसीएनएल किया जाता है जिसमें 6-7 mm तक का सुराख पीछे किया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद नॉर्मली शाम से पेशेंट अपना उठना बैठना खाना पीना शुरू कर देते हैं और 24 से 48 घंटे में पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। ऑपरेशन के बाद एक स्टेंट पड़ता है जिसे 3 से 4 हफ्ते में, या जैसा आपका डॉक्टर सलाह दें उस तरीके से निकलवाना ज़रूरी होता है। पीसीएनएल के बाद दूसरे तीसरे दिन से आप अपने नॉर्मल काम सारे रिज्यूम कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा लाइट वर्क करते हैं, जैसे शॉप वगैरह का है या जिसमें ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं है, वो दूसरे तीसरे दिन से काम पे जा सकते हैं। ज़्यादा फिजिकल स्ट्रीनियस वर्क करने वाले लोग भी 6-7 दिन से काम पर वापस जा सकते हैं। इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई लंबा चीरा नहीं है, कोई बहुत सारे टांके नहीं हैं और ये ऑपरेशन पेशेंट के लिए ज़्यादा कष्टप्रद नहीं है। इसके बाद फिर एक विधि होती है जिसे ESWL कहते हैं। ESWL माने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें साउंड वेव से या ध्वनि की किरणों द्वारा स्टोन को तोड़ दिया जाता है। ये अक्सर अच्छी विधि है, कामयाब विधि है अगर स्टोन आपका 7-8 mm या 10-12 मैक्सिमम 15 mm तक है और सॉफ्ट स्टोन है। स्टोन आपका कितना हार्ड है ये हमें सीटी स्कैन से पता लगता है। सीटी स्कैन में हम स्टोन की डेंसिटी देख सकते हैं और जो सॉफ्ट स्टोन्स हैं जैसे 1000-1200 HU तक के, उनके लिए लिथोट्रिप्सी या ESWL लगाई जा सकती है। ESWL का फायदा यह है कि इसमें कोई भी चीरा, कट या टांका नहीं आता। इसमें अक्सर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। ESWL लगवाकर आप घंटे 1.5 घंटे में 2 घंटे में अपने घर जा सकते हैं। इसमें कोई एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका नुकसान यह है कि अगर आपका स्टोन हार्ड है या आपका स्टोन ज्यादा बड़ा है, तो हो सकता है कि ये स्टोन ESWL द्वारा नहीं टूटे, क्योंकि सॉफ्ट स्टोन्स में भी 70-80% सक्सेस रेट रहती है कंप्लीट क्लियरेंस की ESWL के साथ जो है, और इसमें कई सिटिंग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर स्टोन आपका बड़ा है तो हो सकता है एक सिटिंग हम आपकी आज लगाएं, एक सिटिंग एक हफ्ते बाद लगे, उसके बाद तीसरी सिटिंग तीसरे हफ्ते लगे, तो इस तरीके से 3-4 सिटिंग तक की आवश्यकता पड़ती है। स्टेंट इसमें भी डाला जाता है और जब सब स्टोन क्लियर हो जाते हैं, जब एक्सरे से ये सुनिश्चित कर लिया जाता है, तब स्टेंट निकाल दिया जाता है। तीसरी विधि है इसमें RARS की, जो कि नवीनतम विधि है। इसको रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी भी कहा जाता है। इसमें पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन डाल करके और किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट हो जाता है। ज़्यादातर कहते हैं कि इसमें 5 या 10 mm तक के हों आपके स्टोन्स, या सिंगल स्टोन है और वो 15 mm तक का, 20 mm तक का है, तो फिर उसके लिए RARS बेहतर है। जबकि आजकल थोड़े बड़े स्टोन्स में भी 25 mm, 30 mm में भी RARS किया जा रहा है। कई बार लेकिन कुछ पेशेंट्स के जो यूरेटर या पेशाब की नली होती है, वो इतनी चौड़ी नहीं होती कि उसमें दूरबीन नीचे से पेशाब के रास्ते से और गुर्दे तक पहुंच पाए, तो इन पेशेंट्स में पहले ऑपरेशन से पहले स्टेंट डाला जाता है करीब करीब 5 से 10 दिन के लिए, और उसके बाद में फिर RARS कराया जाता है।
आरएआर इसका फायदा है कि इसमें कोई भी बाहर से चीरा नहीं लगता, पेशाब के रास्ते से दूरबीन से लेजर विधि द्वारा स्टोन तोड़ दिया जाता है। हॉलबियम लेजर जो है स्टोन के लिए तोड़ने के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो इस तरीके से सारे ही ऑपरेशन या तो बिना किसी सुराग के या कोई बहुत छोटे मिनी पर्क या अल्ट्रा मिनी पर्क से किए जा सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट की छुट्टी 24 से 48 घंटे में हो जाती है। पेशेंट्स जो हैं वो हफ्ते भर में मैक्सिमम अपने काम पे वापस जा सकते हैं और 2 से 3 हफ्ते बाद स्टेंट निकाला जाता है, जो कि एक आउटडोर प्रोसीजर है। यानी आप आकर के अपना स्टेंट निकलवा के 10 मिनट में 15 मिनट का काम रहता है ये, और घर वापस जा सकते हैं। तो इस तरीके से किडनी स्टोन का जो इलाज है वो अब मुश्किल नहीं है, हमें नहीं कतराना चाहिए इससे, क्योंकि हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जिनके स्टोन्स होते हैं, जो दवाइयाँ खाते रहते हैं और जिनकी किडनी में रुकावट रहती है और उनके गुर्दे स्टोन से ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप स्टोन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टोन की वजह से लापरवाही करके अपने गुर्दे को नुकसान ना पहुँचाएँ। यदि आपकी पथरी 2 से 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा नहीं निकली है, या आपका स्टोन अगर 10-12 mm या उससे ऊपर है, तो इसका ऑपरेशन ही बेस्ट इलाज है। धन्यवाद।